नित्यानंद देखि प्रभु लैले न कोले बोलिते लागिला तारे किछु कुतूहले कोथा तुमि आमारे करिबा संबरण जे मते आमार हए सन्यास रक्षण आरो आमा पागल करिते तुमि चाहो आर जदि कर तबे मोर माथा खाओ जे न कर तुमि आमा ते नयामी हई सत्य सत्य एयामी सबास्थान कई। श्री नित्यानंद प्रभु और बाकी जो भक्तगण हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे जलेश्वर गांव पहुँचे हैं। जलेश्वर तो चले थे शांतिपुर से, शांतिपुर से आटीसारा के बाद छत्रभोग के बाद गंगा जी को क्रॉस किए और फिर उड्रदेश प्रयाग घाट, फिर वहाँ से स्वर्णरेखा, फिर स्वर्णरेखा नदी से को पार किया और पार करने के बाद पहुँचे थे कौन से गांव में? किस गांव में रुके थे महाप्रभु? इसमें नमक क्यों लग रहा है? नमक डाले क्या? वो पानी वही वाला डाल दिए थे इसमें, केटल वाला। जलेश्वर से पहले जहाँ पे रुके थे कौन सा जगह? जहाँ रामचंद्र खान वाला छत्रभोग पहले चंड रेखा फिर उसके डंडा तोड़ा उससे आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं, महाप्रभु आगे निकल गए और जलेश्वर पहुँचे हैं और पीछे से डंडा लेकर, डंडा तोड़ने के बाद सारे भक्त लोग पहुँचे हैं। तो जलेश्वर की लीला हम कल चर्चा कर रहे थे ना। ठीक है कहकर श्री गौर सुंदर चल पड़े। मत्त सिंह की भांति उनकी गति को लिपिबद्ध करना कठिन काम है। एक मुहूर्त में प्रभु जलेश्वर नाम के गांव में पहुंच गए और वहां बराबर स्थित जलेश्वर नाम के देव स्थान पर पधारे। ब्राह्मण गण गंध पुष्प धूप दीप माला और विभूषणों से जलेश्वर के पूजन कर रहे थे। बहु विध वाद्यों की कोलाहल की धूम मच रही थी। चारों ओर परम मांगलिक नृत्य गीत का कार्यक्रम अनुष्ठित हो रहा था। उसे देखकर आनंदित हुए प्रभु क्रोध को भूल गए और अपने प्रिय भक्त शंकर के वैभव को देखकर परम प्रेम आनंद में निमग्न होकर नाचने लगे। गौरचंद्र शिव का गौरव समझाते हैं, इस कारण सभी भक्तवृंद शंकर के प्रिय हैं और शंकर भी उन सबके प्रिय हैं। जो चैतन्य के पथ अवलंबी नहीं है फिर भी अपने आप को वैष्णव मानते हैं पर शिव जी की अवज्ञा करते हैं, उनका सब कुछ व्यर्थ है। जगत के जीवन स्वरूप प्रभु नृत्य कर रहे थे, हुंकार गर्जन ऐसा था मानो पर्वत विदीर्ण हो रहा है। यह देखकर शिव के सभी दास विस्मित हो गए। सभी कहने लगे शिव जी का प्राकट्य हुआ है। आनंद में सभी और अधिक गीतवादी की धूम मचाने लगे। प्रभु भी नृत्य कर रहे थे, आधे पल के लिए भी उनको बाह्य ज्ञान नहीं था। कुछ क्षणों के भीतर
भक्तगण भी आ मिले। आते ही मुकुंद आदि कीर्तन करने लगे, प्रभु प्रियजनों को देखकर और अधिक आनंद के साथ नृत्य करने लगे। भक्त वृंद उन्हें घेर कर कीर्तन कर रहे थे। उन सात्विक विकारों का वर्णन करने की शक्ति भला किसमें है। प्रभु के नयनों से मानो सुरधुनि गंगा की 100 धाराएं बह रही थी। इतने समय में शिवपुरी की सार्थकता संपन्न हुई, जहां वैकुंठ के अधीश्वर ने नृत्य किया परम आनंद का प्रकाशन करके। कुछ क्षण में प्रभु अपनी प्रिय गोष्ठी को लेकर स्थिर हुए। फिर प्रभु ने सबको प्रेम से गले लगाया, सभी का हृदय परम आनंद से भर आया। नित्यानंद को देखकर प्रभु ने उन्हें गोद में ले लिया और कुतूहलवश उन्हें कुछ कहने लगे। कहते हैं, कहाँ तुम मेरा संवरण करोगे जो कि मेरे संन्यास आश्रम का रक्षण हो सके। तुम तो मुझे पागल और बनाना चाहते हो, और कुछ करोगे तो मेरी खोपड़ी खाओगे। तुम मेरे लिए जो विधान करते हो मैं वैसा ही हो जाता हूँ। सचमुच मैं यही सबसे कहता हूँ। भगवान श्री गौरचंद्र सभी को शिक्षा देते हैं, नित्यानंद के प्रति सभी सावधान रहना। मेरे अंग शरीर से नित्यानंद का अंग बड़ा है। सचमुच मैं निश्चित रूप से पर सभी से यह कह रहा हूँ कि नित्यानंद के चरणों में जिनका अपराध होता है उन्हें प्रेम भक्ति प्राप्त करने में बाधा आती है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। बांसदह पथे कसात न्यासी बेश आसिया प्रभु रे पथे करिल आदेश। साक्त हेन प्रभु जानी लेन निज मने संभाषित लागिले न मधुर वचने। प्रभु बले कह कह कोथा तुमि सब चिर दिने आजि सबे देखिलु बांधव। प्रभु र मायार शक्ति मोहित हैला आपनार तत्व जत कहिते लागिला। यत यत सात बैसे यत यत देशे सब कहे के सुनी प्रभु हासे। सात बोले चल झाट मठे ते आमार सबे आनंद आजि करी बया पार। पापी सात मदिराए बलए आनंद बुझिया हसे न गौर चंद्र नित्यानंद। प्रभु बोले आसी आमी आनंद करीते आगे गिया तुमी सज कर त्वरिते। सुनिया चलिला साक्त हई हरषित यही मत ईश्वरे रय गाध चरित। इस प्रकार से उस रात में जलेश्वर में रहकर, तो उस रात कहाँ रुक गए, जलेश्वर, जलेश्वर में रुक गए। और फिर अगले दिन सुबह उषा काल में प्रभु सभी भक्तों के साथ चल दिए। बांसदह के पथ पर एक सन्यासी वेशधारी साक्त ने आकर प्रभु को आदेश दिया। साक्त सन्यासी था, साक्त मतलब जो शक्ति के उपासक हैं उनको साक्त कहते हैं, है ना, शक्ति दुर्गा काली। तो साक्त सन्यासी है ना, बांसदह की तरफ बढ़ रहे थे बांसदह, तो रास्ते में मिल गए साक्त सन्यासी। तो साक्त सन्यासी ने प्रभु जी को आदेश दिया, प्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को आदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं आदेश? प्रभु अपने मन में जान गए थे कि वे व्यक्ति साक्त हैं। प्रभु उसे मधुर वाणी में कहने लगे। प्रभु ने कहा, कहो कहो तुम सब कहाँ हो? बहुत दिनों के पश्चात आज हम सभी को बांधव के दर्शन मिले हैं। बोले कि तुम लोग कहाँ रह रहे हो? तुम मेरे मतलब बांधव बना लिए, उसको बांधव के दर्शन हुए आज बहुत दिनों के बाद। प्रभु की माया से मोहित साक्त अपना सब तत्व यथार्थ रूप कहने लगा। जिस स्थान पर जो जो साक्त अवस्थान करते थे उन सब के बारे में वह एक एक करके कहने लगा। यह सब सुनकर प्रभु हंसने लगे, बताने लगा। सोचा कि अपना बड़े प्रेम से बोले कि मेरे फ्रेंड हो आप लोग, बंधु हो, कहाँ हैं और भी साक्त लोग कहाँ रहते? बताया कि यहाँ पे एक रहते हैं, उधर एक रहते हैं, उधर एक सन्यासी रहते हैं। साक्त सन्यासी ने कहा,
आप लोग शीघ्र मेरे मठ में चलिए। क्या बोला? शीघ्र मेरे मठ में चलिए। उन लोगों का मठ होगा अपना। आज सब मिलकर अपार आनंद करेंगे। आनंद आनंद समझे? कौन से आनंद की बात हो रही है? ये आनंद था, साक्त सन्यासियों का आनंद है ये। पापी साक्त मदिरा को आनंद कह रहा था, यह समझकर गौरचंद्र नित्यानंद हंस पड़े। प्रभु ने कहा, मैं आनंद करने को आता हूँ, पहले तुम शीघ्र चलकर तैयारी करो। तो महावीर बोले, आगे जाके एडवांस में रेडी करो सब चीज़, तब तो मैं आता हूँ, पीछे से आता हूँ। सुनकर साक्त हर्ष के साथ चल दिया। ईश्वर का चरित्र ऐसा ही अगाध है। पतित पावन कृष्ण सर्व वेद कहे, अतएव शक्त सने प्रभु कथा कहे। लोके बोले ऐसा तेरा पहिला उधार, ऐसा तो पर से अन्य मत श्री गौर सुंदर भगवान, नाना मत करी लेना सर्व जीव ते रस इत रसकारी, आईला रे मुणा ग्रामे गौरांग श्रीहरी, रे मुणाय देखी निज मूर्ति गोपीना रे मुनाय देखी जा मूर्ति गोपीनाथ। विस्तार करिला नृत्य भक्त वर्ग साथ, अपनार प्रेमे प्रभु पासरिया पना, अपनार प्रेमे प्रभु पासरिया, रुदन करे न यति करिया करुणा, सभी वेदों शास्त्रों का कहना है कि कृष्ण पतित पावन है, इसीलिए प्रभु साक्त के साथ बात कर रहे थे। लोग कह रहे थे इस साक्त का उद्धार हो गया, जिसके साथ महाप्रभु बात कर लिए मतलब उसका उद्धार हो गया। इस साक्त के स्पर्श से दूसरे साक्तों का भी उद्धार हो जाएगा। बोले तुम जाओ तैयारी करो, है ना, तो उससे बात कर लिए ना। अब महाप्रभु की इससे बात कर लिए तो उसका उद्धार हो गया, फिर उसके संपर्क में जो आएगा उसका उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान श्री गौर सुंदर ने विभिन्न उपायों से सभी जीवों का उद्धार किया। इस प्रकार से साक्त के साथ रहस्य करके गौरांग श्रीहरि
रेमुणा नाम के गांव में आ पहुँचे। रेमुणा में अपनी मूर्ति गोपीनाथ के दर्शन करके प्रभु ने भक्त जनों के साथ खूब नृत्य किया। स्वयं के प्रेम में प्रभु स्वयं को भूलकर अति करुणा प्रकाशन पूर्वक क्रंदन करने लगे। उस प्रकार की करुणा को सुनकर पत्थर और लकड़ी भी द्रवीभूत हो जाता है। केवल धर्म ध्वजीगण ही ऐसे हैं जो द्रवीभूत नहीं होते। से करुणा सुनीते पा साण काष्ठ द्रवे से करुणा सुनीते पा साण काष्ठ द्रवे एबे ना द्रविला धर्म ध्वजी गण सवे कत दीन महाप्रभु श्री गौर सुंदर पूरे ब्राह्मण नगर यही आदि बराहेर अद्भुत प्रकाश यही आदि अद्भुत प्रकाश जर दर्शने हय सर्वबंध बहे जथा नदी बहे तारणी जर दर्शने पाप पलाए जंतु मात्र जे नदीर हईले पार जंतु मात्र जे नदीर हईले पार देवगण देखे चतु क्षेत्र दश
जो जाना प्रमाण जाज पूरे यते कवा छे देवस्थान जाज पूरे लक्ष बत्सरे वो नारी लैते सब नाम देवालय नहीं है ना नहीं तो किसान जाजपुर ग्राम तो जलेश्वर से चले तो रेमुना पहुंचे, फिर रेमुना रात में रुके, फिर अगले दिन सुबह कहाँ पहुंच गए? जाजपुर। कुछ ही दिनों में महाप्रभु श्री गौर सुंदर ब्राह्मण नगर रयाजपुर में पधारे। रयाजपुर देखिए कितने स्टॉपेज हो गए, सब स्टॉपेज रयाजपुर, जहाँ आदि बराह का अद्भुत प्रकाश विराजमान है। आदि बराह, बराह अवतार हुआ था आदि बराह, उनका स्थान है वो। कौन? याजपुर। इन बराह भगवान के दर्शन से सभी बंधनों का नाश हो जाता है। आदि बराह जी का मंदिर, भगवान आदि बराह का वहाँ मंदिर है। कहाँ? यस, वहीं पर चैतन्य महाप्रभु के चरण स्थापना हुआ है भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के द्वारा, बालियाटी ग्राम। उस याजपुर में बैतरणी नाम की नदी बहती है। याजपुर गांव में जो नदी बहती है उसका क्या नाम है? बैतरणी। और वह स्थान महातीर्थ है, बैतरणी महातीर्थ। एक तो आदि वराह मंदिर, दूसरा बैतरणी नदी महातीर्थ। बैतरणी नदी के दर्शन से पाप अपने आप भाग जाते हैं, दर्शन से ही पाप भाग जाते हैं। जो जीव उस नदी को पार पहुंचते हैं, उन सब जीवों को देवगण चतुर्भुज रूप में देखते हैं। उस नदी को पार करके पहुंच गए उस तरफ तो चतुर्भुज रूप धारण कर लेते हैं। बिरजा देवी जहाँ विराजमान है वह स्थान नाभि गया है। वहाँ से श्री क्षेत्र 10 योजन दूरी पर अवस्थित है। याजपुर में जितने देवस्थान हैं उन सब का नाम लाखों सालों में भी नहीं लिया जा सकता। याजपुर जो गांव है वहाँ पर कितने सारे स्थान हैं, दिव्य स्थान, देवताओं के स्थान, मंदिर, उसका लाखों साल भी अगर उसका गिनती करें तो भी नहीं कर सकते। एक जगह पे इतने सारे देवस्थान, वहाँ कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ देवालय ना हो। याजपुर गए हैं? याजपुर तो जाना चाहिए ना। याजपुर गांव में केवल देवताओं का वास रहे, उस गांव में मनुष्य नहीं रहते। कौन रहते हैं?
देवता। भक्तों के साथ सन्यासी श्रेष्ठ गौर सुंदर ने पहले 10 अश्वमेध घाट पर स्नान किया, फिर प्रभु संभाषण हेतु आदि बराह को गए। सबसे पहले 10 अश्वमेध घाट, वहाँ भी 10 अश्वमेध घाट है, वहाँ स्नान किए, वैतरणी नदी के किनारे होगा। फिर वहाँ से आदि बराह के मंदिर दर्शन के लिए गए। वहाँ प्रभु ने प्रेम रस में निमग्न होकर नृत्य गीत किया। याजपुर को देखकर प्रभु बड़े सुखी हुए। उनका आनंद आवेश पुनः पुनः प्रचुर परिमाण में बढ़ता जा रहा था। कौन जाने उनके मन में क्या इच्छा हुई कि एकाएक वे प्रभु सबको छोड़कर चले गए। प्रभु के अदर्शन से सब विह्वल हो उठे और देवालयों में उन्हें ढूंढने लगे। कहीं भी प्रभु की खोज न मिलने पर भक्तगण परम चिंतित हो गए। मतलब अचानक गायब हो गए महाप्रभु। अब कहाँ गायब हो गए, किसी को पता नहीं है। सब लोग ढूंढने लगे इधर उधर, कहाँ चले गए महाप्रभु। कहीं भी प्रभु की खोज न मिलने पर परम भक्तगण परम चिंतित हो गए। नित्यानंद ने कहा, सभी चित्त को स्थिर करो, मैं जान गया हूँ कि किस कारण प्रभु चले गए हैं। नित्यानंद बोले, मुझे पता चल गया क्यों गए हैं। तो सब लोग क्यों गए बताइए। बोले, एकांत में ठाकुर याजपुर गांव के पुण्य स्थान स्वरूप सभी देवालयों के दर्शन करेंगे। एकांत में अकेले, सबके साथ नहीं। बोले, भगवान का मूड है कि हम अकेले दर्शन करें, है ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता ना, अकेले रहने से। हम सब भी भिक्षा करके आज इसी जगह पर ठहरेंगे, कल यहीं प्रभु से मिलेंगे। आज रुक जाते हैं यहीं पे और कल आए ही जाएंगे वापस, फिर मिल के आगे चलेंगे। सभी भक्तगणों ने ऐसा ही किया। भिक्षा करके सभी ने भोजन किया। प्रभु ने भी सारे याजपुर गांव का भ्रमण किया और याजपुर के सभी पुण्य स्थानों के दर्शन किए। फिर अगले दिन प्रभु उसी जगह आ मिले। बता के नहीं गए थे कि तुम लोग यहीं रहना, इतना तो बुद्धि होना चाहिए अगर साथ में चलना है तो, है ना कि नहीं, बोल के नहीं गए तो निकल गए। लेकिन नित्यानंद प्रभु जो है, उनको पता था कि यहीं हम लोग भी अपना रहते हैं और उनका क्या प्लान होगा, महाप्रभु को बिना बोले जान जाते हैं नित्यानंद प्रभु, है ना, तो बोले कि यहीं आएंगे। तो वास्तव में आए भी गए भाई घूम के। मान लीजिए लोग बोलते कि चल लगते आगे निकल गए हैं तो आगे चले जाते। प्रभु उसी जगह आ मिले जहाँ सभी भक्तजन बैठे हुए थे। संभ्रम सहित भक्तगण हरि हरि कहकर कुतूहल के साथ उठ खड़े हुए। सभी के साथ मिलकर प्रभु ने याजपुर को धन्य किया, फिर हरि कहकर गौरांग श्रीहरि चल दिए। इस प्रकार से महान आनंद सहित श्री गौर सुंदर कुछ ही दिनों में कटक नगर आ पहुँचे। कटक याजपुर से कहाँ, कटक स्टॉपेज कितने स्टॉपेज हो गए, काउंट किया आप लोगों ने किसी ने, इसलिए मैं गिना रहा था, है ना। कटक आ गए। भाग्यवती वहाँ महानदी के जल में स्नान किया। कटक में कौन सी नदी है, महानदी, महानदी भाग्यवती नहीं, भाग्यवती विशेषण है, नाम है महानदी। महानदी में स्नान किए थे हम एक बार, याद है, बहुत पहले गए थे, नील माधव आप लोग नहीं गए थे ना, एक बार स्नान किया महानदी में। महानदी के जल स्नान करके प्रभु साक्षी गोपाल के मंदिर में पधारे। साक्षी गोपाल मंदिर गए हैं, है? हाँ, आठ। आज कितने स्टॉपेज हुए, जलेश्वर, जलेश्वर के बाद याजपुर, रेमुणा, याजपुर और केटक, कटक, तो चार तो आज ही हो गया, है ना। पहले केवल चार ही था, आठ ही सारा
पहले का 8 बता रहा हूँ, मतलब तो 10 हो गया ना। सबसे पहले आटी सारा था, आटी सारा छत्रभोग, फिर प्रयाग घाट गंगा जी को पार किए, फिर स्वर्ण रेखा, चार और चार आठ, आठ पर वेरी गुड। फिर साक्षी गोपाल आ गए है ना। साक्षी गोपाल के मुग्धकारी लावण्य को देखकर प्रभु आनंद में हुंकार और गर्जन करने लगे। प्रभु कहकर महाप्रभु ने नमस्कार और स्तवन किया, फिर अद्भुत प्रेम आनंद क्रंदन करने लगे, जिनके मंत्र से सभी मूर्तियों में प्राण प्राणों का अधिष्ठान होता है, उन्हीं प्रभु का नाम श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र है। यहाँ पे बता रहे कि साक्षी गोपाल जी कटक शहर के उत्तरी भाग में महानदी प्रवाहित है। श्री साक्षी गोपाल देव श्री महाप्रभु के प्रकट काल में कटक में ही थे। महाप्रभु के साथ अभी तो कटक में नहीं है, है ना, लेकिन उस समय महाप्रभु जब आए थे उस समय साक्षी गोपाल का मंदिर कहाँ था? कटक में, है ना, कटक में, है ना। वहीं श्री साक्षी गोपाल वर्तमान समय में साक्षी गोपाल नाम के गांव में स्थानांतरित हो गए हैं। तो हम लोग जब गए जहाँ गए थे गांव का नाम था साक्षी गोपाल, है ना, हाँ, लेकिन पहले कटक में थे, बाद में वहाँ आ गए तो उस गांव का नाम बस गया है वहाँ, उन्हीं के नाम से साक्षी गोपाल। कटक से महाप्रभु के प्रकट काल के परवर्ती समय में साक्षी गोपाल को जगन्नाथ जी के मंदिर में लाया गया। पहले कटक से कहाँ है? जगन्नाथ मंदिर, है ना। तत्पश्चात उन्हें स्वतंत्र रूप से उस गांव में अधिष्ठित किया गया। फिर वहाँ दोनों में झगड़ा हो गया, जगन्नाथ जी में और साक्षी गोपाल में, सारा खा जाते थे भोग। जगन्नाथ जी राजा के सपने में आए और बोले कि ये इनको जो लाए हो ना, इनको इनके लिए अलग मंदिर बनाओ, ये मेरा सब खा जाता है भोग। तब राजा ने उनके लिए फिर अलग मंदिर बनाया साक्षी गोपाल जी। साक्षी गोपाल पहले महानदी के तट पर स्थित कटक नगर में साक्षी गोपाल विराजमान थे। दक्षिणी देश से लाए गए साक्षी गोपाल को पहले कुछ दिन कटक में विराजमान कराकर पश्चात श्री पुरुषोत्तम में जगन्नाथ श्री जगन्नाथ के मंदिर में कुछ दिन के लिए उन्हें स्थापित किया गया। वहाँ किसी प्रकार का प्रेम कलह उपस्थित होने पर, प्रेम कलह मतलब समझ रहे हैं ना, जगन्नाथ जी और इनमें प्रेम कलह हो गया, है ना। उत्कलपति महाराज ने पुरुषोत्तम से 3 कोस की दूरी पर सत्यवादी नामक नाम के एक गाँव की स्थापना करके गोपाल को वहीं रख दिया। गाँव का नाम था सत्यवादी, है ना। वर्तमान में उसी गांव के एक पक्के मंदिर में श्री साक्षी गोपाल विराजमान हैं। साक्षी गोपाल की आख्यायिका श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य पंचम परिच्छेद में द्रष्टव्य है। इसकी कथा भी हम लोग किए थे जब साक्षी गोपाल गए थे, है ना। तथापि निरवाधि करे दास लीला अवतार हैले हायाई माता केला तबे प्रभु आइले न त्रिभुवने सारा गुप्त काशी वास जाता करे न शंकर सर्व तीर्थ जल शिव श्री जिला। कटक से चलकर फिर महाप्रभु श्री गौर हरि निर्वधि दास लीला प्रदर्शित करते रहते थे। स्वयं अवतार होने पर भी प्रभु द्वारा इस प्रकार का खेल होता रहता है। फिर प्रभु गुप्त काशी पहुंच गए, गुप्त काशी श्री भुवनेश्वर, श्री भुवनेश्वर पधारे। तो 9वां स्टॉप श्री भुवनेश्वर, 9th, है ना। जहाँ उसको भुवनेश्वर को गुप्त काशी बोलते हैं, जहाँ शंकर जी निवास करते हैं। सभी तीर्थों से बिंदु बिंदु भर जल लाकर स्वयं शिव ने जहाँ बिंदु सरोवर का सृजन किया है।
सारे तीर्थों से एक एक बूंद जल लाकर शिव जी ने उसको एक सरोवर बनाया, जिसका नाम पड़ा स्नान किए था बोलो बिंदु सरोवर में किए थे तो स्नान किया था। तो इसकी कथा सुना देता हूँ आपको। श्री भुवनेश्वर स्वर्णाद्रि महोदय एकाम्र पुराण स्कंद पुराण इत्यादि संस्कृत पौराणिक ग्रंथों में श्री भुवनेश्वर तीर्थ का बहुविध विवरण मिलता है ना। स्वर्ण अद्रि महोदय ग्रंथ का नाम है, एक ग्रंथ है एकाम्र पुराण, एक ग्रंथ है स्कंद पुराण। तो इन शास्त्रों में भुवनेश्वर धाम की महिमा का वर्णन मिलता है। उन सभी ग्रंथों में उस स्थान को भुवनेश्वर, एकाम्रक क्षेत्र, हिमाचल, स्वर्णादि क्षेत्र इत्यादि नामों से अभिहित किया गया है। तो कहीं कहीं पे इसको भुवनेश्वर लिखा गया, कहीं कहीं पे एकाम्र क्षेत्र, कहीं पे स्वर्णादि हिमाचल, कहीं पे स्वर्णाद्रि क्षेत्र, इन नामों से भुवनेश्वर का वर्णन है। तो कथा कैसे हुई? कथा का यहाँ बता रहे हैं कि ऋषिगण द्वारा अनुरोध किए जाने पर भगवान व्यास ने समग्र जगत में दुर्लभ एकाम्रक क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत किया है। अति प्राचीन काल से इस स्थान पर एक विस्तृत शाखा समन्वित आम्र वृक्ष विराजित है। आम्र वृक्ष मतलब आम का वृक्ष, जिसकी शाखाएं बड़ी है ना दूर दूर तक फैली हुई थी, वहाँ पे एक आम का वृक्ष था है ना, इसलिए नाम पड़ा एकाम्र, एक आम्र। तो इसी इसलिए इस स्थान का नाम एकाम्रक क्षेत्र पड़ा है। इसी स्थान पर कोटि लिंग मूर्तियां एवं अष्ट तीर्थ विराजमान हैं। यह स्थान वाराणसी की अपेक्षा भी श्रेष्ठ माना जाता है, भुवनेश्वर वाराणसी से भी श्रेष्ठ है एवं वैष्णवराज शंभु को अत्यधिक प्रिय है। उत्कल प्रदेश में दक्षिण समुद्र के तट पर गंधवती नाम की एक पूर्ववाहिनी नदी है। वह नदी साक्षात जाह्नवी स्वरूपा है। उस परम पवित्र नदी के तट पर ही यह ब्रह्म क्षेत्र एक आम्रक क्षेत्र विद्यमान है। नदी है, कौन सी नदी, कौन सी नदी बताया गया बताइए? गंधवती, गंधवती नदी, उसी के तट पर है। यह स्थान कैलाश की अपेक्षा भी अधिक रमणीय है। यह स्थान त्रियोजन विस्तृत है, तीन योजन, तीन योजन मतलब 24 मील, एक योजन में 8 मील, तीन योजन में 24 मील। इसमें एक योजन स्थान देवगणों के द्वारा पूजित है एवं एक कोष परिमाण में आम्र छाया परिव्याप्त है। धर्मात्मा व्यक्तिगण प्राचीन काल से इस स्थान में स्नान, जप, होम, तर्पण, अभिषेक, पूजा, स्तव, निर्माल्य सेवन, पुराण श्रवण, भगवत भक्तों का चरण आश्रय एवं नवविधा भक्ति याजन करते चले आ रहे हैं। तो इस प्रकार से भुवनेश्वर का वर्णन है ना, विस्तार पूर्वक बताया गया भुवनेश्वर का वर्णन। बहुत विस्तार है, कई पेजेज हैं भुवनेश्वर का वर्णन, भक्तिशान सरस्वती ठाकुर जी ने किया है, मुझे पता नहीं था, नहीं तो इसी से पढ़ते हम। शिव प्रिय सरोवर जानी श्री चैतन्य, स्नान करी विशेष करी लायति धान्य, देखिले न गिया प्रभु प्रकट शंकर, चतुर्दिक शिव ध्वनि
अरे अनुचारा, चतुर्दी के सारी सारी घृत दीप जले, निरवधि अभिषेक अइते छे जाले, निज प्रिया शंकरेर देखिया विभव, तुष्ट हई देना प्रभु सकल वैष्णव, हे चरण रस शिव बसन न जाने, एना प्रभु नित्य करे शिव विद्यमान, नित्य गीत शिव अग्रे करिया आनंद, रात्रि रहिला से ग्रामे गौर चंद्र, से स्थान शिव पाई लेन जे नमाते, से कथा कही स्कंद पुराणे रमाते, काशी माधे पूर्वे शिव पार्वती सही अचिलायनिक काल परमानि भीते, तबे गौरी सह शिव गेले न कैलास, नर राज गणे काशी कराए विलास, तबे काशी राज नामे कैलाए कराजा, काशीपुर भोग करे करि शिव पूजा। भुवनेश्वर की कथा का पठन कर रहे हैं, है ना, भुवनेश्वर की कथा के, भुवनेश्वर नगर का निर्माण कैसे हुआ। कहते हैं कि शिव के सामने नृत्य गीत रूप आनंद का प्रकाशन करके श्री गौरचंद्र उस रात उसी गांव में ठहर गए, भुवनेश्वर में, है ना, नाइन्थ स्टॉप। जिस प्रकार से उस स्थान पर शिव का आगमन हुआ था वही कथा मैं स्कंद पुराण के मत अनुसार कह रहा हूँ कि यहाँ पर शिव जी कैसे आए। शिव जी तो वाराणसी में निवास करते थे, काशी में, तो भुवनेश्वर कैसे पहुँचे उस कथा के बारे में बता रहे हैं। काशी से भुवनेश्वर कैसे शिफ्ट हुए स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है। कहते हैं कि प्राचीन काल में शिव जी पार्वती के साथ काशी में परम एकांत अवस्था में बहुत समय तक रहे। फिर गौरी के साथ शिव कैलाश पर पधारे। उधर नर राजगण काशी में राज्य करने लगे। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर चले गए काशी से, वहाँ पे मनुष्य राजा बनने लगे काशी में। फिर काशी राज नाम के एक राजा हुए, वे शिव पूजन पूर्वक काशीपुर में राज्य करने लगे। काशी राज शिव जी की पूजा करते थे और वो काशीपुर में, काशी नगर में काशी राज का शासन था। दैवोग से वह राजा काल पास की चपेट में आ गया। कृष्ण को पराजित करने के लिए वह उग्र तपस्या के साथ शिव का पूजन करने लगा। देव द्वापर युग में राजा जो है वो कृष्ण के कृष्ण को हराने के भाव से, है ना, एक कृष्ण को मैं हराऊंगा ऐसे करके शिव जी की तपस्या कर रहा था कृष्ण को हराने के लिए। तपस्या के प्रभाव से शिव प्रत्यक्ष हुए और वर मांगो कहने पर उस राजा ने वर मांगा। हे प्रभु, आपके चरणों में मैं एक वर मांगता हूँ, ऐसा वर दीजिए ताकि मैं युद्ध में कृष्ण को पराजित कर सकूँ। भोलानाथ शंकर का चरित्र अगाध है, कौन समझ सकता है कि वह किस प्रकार से किस पर कृपा करते हैं।
शिव ने उसे कहा, राजा तुम युद्ध के लिए आगे बढ़ो, मैं सभी गणों के साथ तुम्हारे पीछे अवस्थित हूँ। ऐसी शक्ति किसमें है कि तुम्हें पराजित कर सके? पाशुपत अस्त्र लेकर मैं तुम्हारे पीछे रहूँगा। मतलब तुम आगे जाओ, मैं अपनी सेना लेकर पीछे रहूँगा, तुम टेंशन मत लो। डायरेक्ट वरदान बोले नहीं, हाँ बोले तुम्हें पराजित करने के साथ, मैं सीधे नहीं बोले कि मैं वरदान देता हूँ, बोले मैं रहूँगा ना, मैं हूँ, कोई नहीं हरा पाएगा। चलो, वह मूढ़मती शिव का बल पाकर हर्ष के साथ कृष्ण से युद्ध करने के लिए चल पड़ा। शिव अपने सभी निजी गणों के साथ उसका पक्ष लेकर युद्ध करने की इच्छा से उसके पीछे चलने लगे। सर्वभूत अंतर्यामी देवकी नंदन उसी क्षण सभी वृतांत जान गए। वृतांत जानकर कृष्णचंद ने सबका दलन करने वाले अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा। सुदर्शन के सामने कोई बच नहीं सकता। पहले सुदर्शन ने जाकर काशीराज का सिर काट डाला, फिर उसके संबंध से जुड़ी समग्र वाराणसी को जलाकर सब कुछ भस्म कर दिया। वाराणसी को ही जला दिया। वाराणसी को दग्ध होते हुए देखकर क्रुद्ध महेश्वर ने भयंकर पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया, परंतु चक्र के सामने पाशुपत अस्त्र क्या करता है? चक्र का तेज देखकर वह उसी क्षण भाग चला। अंत में चक्र महेश्वर की ओर दौड़ने लगा। चक्र के भय से शंकर भागने लगे। चक्र के तेज समस्त भुवन में फैल गया। त्रिलोचन भागे तो किस तरफ भागे? पहले जैसे दुर्वासा चक्र के तेज से पीड़ित हुए थे, अब शिव का भी वैसा ही हाल हुआ। अंत में शिव की समझ में आया कि कृष्ण को छोड़ सुदर्शन से रक्षा करने वाला और कोई नहीं है। ऐसा चिंतन करके वैष्णव अग्र त्रिलोचन भयभीत और त्रस्त होकर गोविंद की शरण में आए। महाप्रभु देवकी नंदन की जय हो, जय हो। सर्वव्यापी सर्व जीवों के रक्षक की जय हो। सबको सुबुद्धि कुबुद्धि देने वाले की जय हो, जय हो। सबके सृष्टा हर्ता और रक्षिता की जय हो, जय हो। अदोष दर्शी दोष दर्शन न करने वाले कृपा सिंधु की जय हो, जय हो। संतप्त जनों के एक बंधु की जय हो। अपराध भंजन शरण की जय हो। हे प्रभु मेरे दोष को क्षमा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। शंकर का स्तवन सुनकर सर्व जीवों के नाथ कृष्ण ने चक्र तेज का संवरण किया एवं दर्शन दिए। उनके चारों ओर गोप गोपीगण शोभा पा रहे थे। कुछ क्रोधित और हंसमुस होकर प्रभु कहने लगे, क्यों शिव, तुम तो मेरा शुद्ध स्वरूप जानते हो, इस समय तुम में ऐसी बुद्धि कहाँ से आ गई? अधम नृपति काशीराज कहाँ का कीड़ा है जिसके लिए तुम मेरे साथ युद्ध करने चले आए? भगवान बोले, जिसके लिए तुम मेरे साथ लड़ने लगे, यह जो मेरा सुदर्शन चक्र देख रहे हो, इसका पराक्रम तुम भी सहन नहीं कर सकते। परम अव्यर्थ ब्रह्म अस्त्र, पाशुपत अस्त्र, महाअस्त्र आदि जितने भी अस्त्र हैं, उनमें से कोई भी सुदर्शन का सामना नहीं कर सकता। जिसका यह अस्त्र है उसका ही संहार करना चाहता है। मुझे तो संसार के भीतर सिवाय तुम्हारे और कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो मेरा अनादर करता हो। भगवान बोले ऐसा कि जिसका यह अस्त्र है उसका ही संहार करना चाहता है। बोले कि अभी तो मेरे को लिए तुम ही मेरा डिसरिस्पेक्ट करते हो और कोई नहीं करता। शिव जी को बोले भगवान। प्रभु का कुछ सक्रोध उत्तर सुनकर शंकर का अंतर हृदय बड़ा कांपने लगा। अंत में फिर प्रभु के श्री चरणों का स्पर्श करके शिव आत्मनिवेदन करने लगे, हे प्रभु सारा संसार आपके अधीन है, स्वतंत्र होने की शक्ति किसमें है? पवन के कारण जैसे सूक्ष्म तृण समूह चलायमान हैं, इसी प्रकार से सारा भुवन अस्वतंत्र है। हे प्रभु आप जो करवाना चाहते हैं जीव वही करता है, ऐसा कौन है जो आपकी माया को पार पा सके? विशेष करके हे प्रभु आपने मुझको विशेष अहंकार दे दिया है, मैंने अपने आप को सबसे बड़ा मानता हूँ। आपकी माया के कारण मेरी यह दुर्गति है, मैं क्या करूँ प्रभु, मैं अस्वतंत्र मति हूँ। बोले आप मेरे को अहंकार दे दिए, मैं क्या करूं, मैं तो आपकी माया के अधीन हूं। आपका चरण कमल मेरा एकांत जीवन है, आपके चरणों का चिंतन करते हुए मैं अरण्य में रहूंगा, फिर भी आप मुझे अहंकार दे देते हैं। मैं जंगल में रहता हूं कि अहंकार नहीं आएगा, सब छोड़ छाड़ के फिर भी अहंकार दे देते हैं आप। हे प्रभु मैं क्या करूं, जैसी आपकी इच्छा।
हे प्रभु, फिर भी मैंने अपराध किया है, उस सब अपराध को क्षमा करके मुझ पर कृपा कीजिए। हे प्रभु, सदैव होकर ऐसा वर दीजिए कि इस प्रकार की कुबुद्धि मुझ में और ना रहे। अहंकार का प्रकाशन करते हुए मैंने जिस प्रकार का अपराध किया था उसका दंड मुझे मिल चुका है, अब और कुछ शेष नहीं रह गया है। हे प्रभु, अब आदेश कीजिए कि मैं कहाँ रहूँ, आपके अतिरिक्त और किसके चरणों में निवेदन करूँ। शंकर के वचन सुनकर कृपायुक्त प्रभु हंसकर कहने लगे, सुनो शिव, तुम्हें दिव्य स्थान प्रदान कर रहा हूँ, सर्वगोष्ठी सहित वहीं प्रस्थान करो। एकाम्रक वन नामक एक मनोहर स्थान है, वहाँ पर तुम कोटि लिंगेश्वर के रूप में विराजमान रहो। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको जगह बताया, भुवनेश्वर कोटि लिंगेश्वर रूप में। वह भी लगभग वाराणसी जैसी सुरम्य नगरी है, वह स्थान मेरी परम गोपेपुरी है। हे शिव, उस स्थान के बारे में मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ, उस पुरी का मर्म और कोई नहीं जानता है। सिंधु के तट पर बट के नीचे नीलाचल नामक पुरुषोत्तम क्षेत्र है, वह स्थान अति रम्य है। काल की चपेट में आकर जब अनंत ब्रह्मांडों का संहार हो जाता है, तब भी काल उस स्थान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सर्वदा उसी स्थान पर मैं निवास करता हूँ, प्रतिदिन वही मेरा भोजन होता है। उस स्थान के प्रभाव से 10 योजन भूमि में जितने भी जंतु कीट कृमि रहते हैं, उन सबको देवगण चतुर्भुज रूप में देखते हैं। वह स्थान भुवन मंगल के नाम से विख्यात है। 10 मील में जितने जीव रहते हैं वो सब चतुर्भुज रूप रहना थोड़ी। नींद में रहने पर भी उस स्थान पर समाधि का फल मिलता है। वहाँ जाकर कोई सो जाए, मैं तो काफ़ी समाधि कर चुका हूँ। शयन में भी प्रणाम करने का फल प्राप्त होता है। अगर अब लेटे हुए सो रहे हैं तो भगवान सोचते हैं कि ये प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा वेद कहते हैं। उस स्थान पर भ्रमण करने से परिक्रमा का फल मिलता है। बातचीत मात्र करने से वहाँ मेरा स्तवन होता है। वहाँ जाकर कोई बात करे जगन्नाथपुरी में तो भगवान उसको स्तुति लेते हैं। उस क्षेत्र का इतना निर्मल प्रभाव है कि मछली खाने पर भी हवि से घृत खाने का फल मिल जाता है। मेरे अपने नाम का वह स्थान मुझे इतना प्रियतम है कि वहाँ जो जो निवास करते हैं वे सब मेरे ही समान हैं। उस स्थान पर यमदंड का अधिकार नहीं है, मैं ही सभी की अच्छाई बुराई का विचार करता हूँ। अपनी उस पुरी की उत्तरी दिशा की ओर तुम्हें रहने के लिए स्थान दे रहा हूँ। भुक्ति मुक्ति प्रदाता उस मनोहर स्थान पर तुम श्री भुवनेश्वर नाम से विख्यात होकर विराजमान रहो। इस प्रकार से भगवान शिव ने उनको स्थान दिया भुवनेश्वर में। पुरी की अद्भुत महिमा सुनकर शंकर फिर से श्री चरणों का स्पर्श करके उत्तर देने लगे। किसके श्री चरणों का? भगवान श्री कृष्ण के। श्री जी बोले, हे प्राणनाथ, मेरा एक निवेदन सुनिए। मैं सदैव परम अहंकारी हूँ, इसलिए आपको छोड़कर अलग किसी अन्य स्थान पर रहने से कभी भी मेरा कुशल मंगल नहीं होगा। मेरा मन चाहता है कि मैं सदैव आपके पास रहूं। दुष्टों के संग दोष के कारण कभी भी मंगल नहीं होता है। इस कारण यदि आप मुझे अपना भृत्य समझते हैं तो अपने क्षेत्र में मुझे एक स्थान दीजिए। आपके क्षेत्र की महिमा आपके श्रीमुख से सुनकर मेरी वहीं रहने की हार्दिक इच्छा हुई है। हे प्रभु, मुझे रहने के लिए वहाँ थोड़ा सा स्थान दीजिए। क्षेत्रवास के लिए मेरी हार्दिक अभिलाषा है। इतना कहकर महेश्वर क्रंदन करने बोले, अहंकार आ जाते हैं, अपने पास रखेंगे तो अहंकार नहीं आएगा, तो उधर ही अपने नीलाचल क्षेत्र में ही कहीं स्थान दे दी। ऐसा कहकर रोने लगे शिव जी। शिव के वचन से संतुष्ट होकर श्री चंद्रवदन श्री कृष्ण उन्हें आलिंगन पूर्वक कहने लगे, सुनो शिव, तुम मेरे अपने शरीर के समान हो। जो तुम्हारा प्रिय है वह मेरा भी प्रियतम है। जहाँ तुम हो वहाँ मैं हूँ, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। सर्व क्षेत्र में मैं तुम्हें स्थान दे रहा हूँ। बोले, हर जगह सारे क्षेत्रों में तुम्हारा स्थान मिलेगा। एक जगह क्या, सारे क्षेत्रों में तुम सभी प्रकार के से मेरे क्षेत्र पालक हो। सर्व क्षेत्र में मैं तुम्हें अधिकार प्रदान करता हूँ। मैंने तुम्हें जो एकाम्रक वन प्रदान किया है उसमें भी तुम परिपूर्ण रूप से विराजमान रहो। वह क्षेत्र मेरा प्रिय स्थान है। मेरी प्रीति के लिए तुम वहीं सदैव अधिष्ठित रहो।
जो मेरा भक्त होकर तुम्हारा अनादर करता है उसकी चेष्टाएं मेरे लिए विडंबना मात्र है। इस प्रकार से शिव ने वह स्थान प्राप्त किया। वह स्थान अभी भी भुवनेश्वर नाम से विख्यात है। शिव कृष्ण के बड़े प्रिय हैं, यह समझाने के लिए गौरचंद्र शिव के सामने नृत्य कर रहे थे। कृष्ण ने जो कुछ भी पुराण में कहा है अब उसे गौरहरि स्वयं साक्षात दर्शा रहे थे। शिव राम गोविंद कहकर गौर राय हाथों से ताली बजा बजा कर नृत्य निरंतर नृत्य कर रहे थे। शिव राम गोविंद, शिव राम गोविंद, शिव राम गोविंद, ऐसे करके गौरचंद्र ने स्वयं भुवनेश्वर में जाकर भक्त वृंद के साथ शिव जी की पूजा की, है ना, भुवनेश्वर में जाकर शिव जी की पूजा की। चतुर महापुरुष, इसलिए हम लोग भी जाते हैं तो पूजा करते हैं, महाप्रभु के चरण चिन्ह पर चलते हैं। शिक्षा गुरु ईश्वर के द्वारा दी गई शिक्षा को जो नहीं मानते हैं वे सब लोग निज दोष के कारण दुख को प्राप्त होते हैं। उस शिव ग्राम में प्रभु ने भक्त वृंद के साथ शिवलिंगों को देख देखकर आनंद सहित भ्रमण किया। परम निवृत्त एकांत एक शिव स्थान को देखकर भगवान श्री गौर सुंदर प्रसन्न हुए। श्री गौरांग महाप्रभु ने उस गांव में जितने भी देवालय हैं उन सब के दर्शन किए। भुवनेश्वर में जितने देवालय थे, मंदिर थे, सबके दर्शन किए। जो जहाँ भी जाते थे तो सारे मंदिरों के दर्शन करते थे महाप्रभु। इस प्रकार से संपूर्ण मार्ग संतोष के साथ पार करते हुए प्रभु कमलपुर में पधारे। कहाँ पधारे? कमलपुर में। और फिर आगे क्या हुआ वो अगली बार बताया जाएगा कल। आज यहीं पर विराज विश्राम, क्योंकि गुरु महाराज से मिलने जाना है। ठीक है, तो आज की कथा आज थोड़ी छोटी कथा हो गई। हाँ, तो क्योंकि 7:30 बजे गुरु महाराज ने बुलाया है तो महाराज से मिल के फिर कल कथा इसको आगे बढ़ाएंगे। कल हम लोग जगन्नाथपुरी पहुंच जाएंगे, है ना, कमलपुर। अब कमलपुर जाएंगे, 10वां स्टेशन आएगा, है ना, उसके बाद फिर जगन्नाथपुर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।